नमस्कार, मैं हूं केशव चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चुनाव होने वाले थे, जो कि बताया जा रहा है कि यहां पे ऐतिहासिक बात है कि यहां पे कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को जो आज चुनाव होने थे वो किसी कारणवश स्थगित कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि आगरा खंड से स्नातक MLC। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव जो 15 सितंबर को माने आज होने वाले थे, उनको अचानक से रद्द कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। 1915 से लेकर आज तक कभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जो मेरी जानकारी में आया है, कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही। तो यह एक ऐतिहासिक पल था। इस ऐतिहासिक पल को किन कारणों से समाप्त कर दिया गया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पंकज प्रकाश और डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव, ऐसे दो हिंदू भी यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का चुनाव पहले कभी नहीं हुआ इस प्रकार से, जो हिंदू प्रोफेसर का हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, वाइस चांसलर साहब ने इस प्रकार से अचानक से किन आधार पर, किन के प्रभाव में यह चुनाव को रद्द किया है, यह जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट मानना है, यदि एक बार कोई चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसको बीच में नहीं रोका जा सकता। अगर इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया गया तो निश्चित मानिए कि देश भर के अंदर कभी भी कोई चुनाव संपन्न ही नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसके अंदर बाधा हो सकता है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद, मतदाता जब नामांकन हो जाने के बाद भी, जब परिणाम घोषित होने की बारी आ रही है, कुछ परिणाम घोषित भी हो गए और इस प्रकार से चुनाव रद्द कर दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो मांग करूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण से और ये इस प्रकार के सांप्रदायिक विषयों के आने के कारण से यह घोर आपत्तिजनक है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर उचित निर्णय लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हो उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।